हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में। दोस्तों, आपका लगभग 130 डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाल दी गई है। आज से दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आ चुके हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीपीसी लिमिटेड का। अगर दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी को। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इरेक्शन, मैकेनिकल इरेक्शन, C&I इरेक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, इरेक्शन का मतलब होता है निर्माण, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, उसको हम लोग इरेक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इरेक्शन में दोस्तों आप यहां देख सकते हैं टोटल 20 सीट निकाली गई है। मैकेनिकल इरेक्शन के लिए 50 सीट, C&I इरेक्शन के लिए 10 सीट और सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए 30 सीट निकाल दी गई है। हर एक कैटेगरी के लिए दोस्तों अलग अलग सीट है। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसी से अप्लाई कीजिएगा तो बेहतर होगा। तो चलिए बात करते हैं इसका क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और आपका पे स्केल क्या होने वाला है। पोस्ट ए में देख सकते हैं आप लोग, नेम ऑफ द पोस्ट में डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल इरेक्शन के लिए टोटल 20 पोस्ट जारी कर दी गई है और इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है BE या फिर BTEC डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक उसी तरह नेम ऑफ द पोस्ट में आप देख सकते हैं बी में डिप्टी मैनेजर के लिए मैकेनिकल इरेक्शन के लिए टोटल 50 पोस्ट जारी कर दी गई है। इसमें भी दोस्तों आपका जो BTEC डिग्री है वो मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन से होना चाहिए। एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन जो मान्यता प्राप्त है उससे। सी में देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट में डिप्टी मैनेजर C&I इरेक्शन, टोटल 10 पोस्ट निकाली गई है। इसमें दोस्तों जो BTEC किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, उसका भी 60% मार्क्स होना चाहिए तो जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट सिविल कंस्ट्रक्शन में दोस्तों आपका BTEC होना चाहिए सिविल से या फिर कंस्ट्रक्शन से, एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। अब मेन मुद्दा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ही आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अपर एज लिमिट यहाँ जो भी पोस्ट है सब मिलाकर आपको 40 साल यहाँ देखने को मिल सकता है और आपका जो पे स्केल है वो 70,000 से लेकर 2,00,000 के बीच मिलेगा आपको। बाकी दोस्तों जो अलाउंस और हेल्थ जो सुविधा दी जाती है वो आपको मिलेगा। आपको दोस्तों जो एज लिमिट है वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एज रिलैक्सेशन होता है SC ST और OBC वालों के लिए उसके अनुसार भी दिया जाएगा। और आपका दोस्तों फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है आप यहां देख सकते हैं ₹300 दोस्तों आपसे चार्ज लिया जाएगा। अप्लाई कैसा करना है दोस्तों, तो एकदम सिंपल है। आपको NTPC के वेबसाइट में जाना है और ये नोटिफिकेशन के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। आपका दोस्तों जो स्टार्ट है 23 फरवरी से स्टार्ट कर दिया गया है और 8 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर अप्लाई करें। एक्सपीरियंस दोस्तों काफ़ी मांगा जा रहा है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो NTPC लिमिटेड की ओर से आपके लिए डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए कुछ वैकेंसी जारी कर दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।